अंग्रेजी स्पीकर हैं मुफ्ती मेंक, जिन्होंने जामिया से इल्म हासिल किया, फिर जाकर गुजराती देवबंदी मदरसे में इन्होंने इल्म हासिल किया। इनका मनहज अभी वाजे नहीं है, ये देवबंदी के अहले-हदीस हैं। कहाँ है वो? वो रहते हैं जिम्बाब्वे के हैं, और अभी हिंदुस्तान में भी इनको बहुत ही इदारों से इनको दावत दी जाती है, मगर इनका मनहज वाजे नहीं है कि ये अहले-हदीस हैं कि देवबंदी हैं। और इन्होंने जब सूरह ताहा की तफसीर की तो रहमान उल अर्श इस्तवा की तफसीर नहीं की, इन्होंने स्किप कर दिया उसको, और कई देवबंदी इदारों में इनको दावत दी जाती है। तो ऐसे आदमी से इल्म लेना सही है शेख? बिल्कुल नहीं सही है। ऐसे खसी आदमी से, जो खसी हो, हिजड़ा हो, उससे ना इल्म नहीं लेना चाहिए। जी 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 जी, बहुत सही। अल्हम्दुलिल्लाह सही इल्म के लोग, ऐसे ही लोग नुकसानदेह हैं। जी जी, नौजवानों को गुमराह करने में ये लोग ज्यादा हाथ है इनके लोगों का। जी, ये अकीदे पे बात नहीं करते बल्कि जनरल बातें करते हैं कि अखलाक अच्छे बनाओ। हाँ, जज किसी को? हाँ ठीक है, जमात तबलीगी वाले भी ऐसे करते हैं। जी 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 जी, 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 जी। बहुत